सर ऐसा है कि धीरेंद्र चौबे, इन्होंने इससे पहले फिल्म बनाई थी जिसमें बहुत बड़ी हीरोइनें थी, उसमें बाकी थी, मोना थी और केसारी थी, काफ़ी सारे लोग, हम लोग सब थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। ये राजकुमार पांडे के साथ इनके एसोसिएशन थी शुरू में, राजकुमार के साथ, लेकिन इस आदमी ने छोरा गंगा किनारे वाला एक फिल्म बनाई जो लोगों को पसंद आई, अच्छी गई, लेकिन उसकी शूटिंग इन्होंने हरिद्वार में यहाँ वहाँ से किया और पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म की मेरे ख्याल से उत्तरांचल में शूटिंग हुई और अच्छी तरह से हुई। इनको फिल्म बनाने का शौक है, बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जिनको फिल्म बनाने का शौक होता है, वो इस चक्कर में पड़ते हैं बस प्रोजेक्ट बना लो किसी तरह से, लपेट लुपाट के फिल्म बना लो, इनको शौक है। इन्होंने दूसरी फिल्म बनाई नाले पे दहला, इन्हीं की पिक्चर का मुहूर्त करने के लिए हम लोग लखनऊ गए थे और ताज में इन्होंने पार्टी रखी थी, ताज होटल में उन्होंने मुहूर्त किया था और वहाँ शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों से मुहूर्त हुआ था, बहुत सारे लोग थे। और आज ये पिक्चर जो आपके सामने मुहूर्त हो रही, इस पिक्चर का दोबारा भी एक और वो करेंगे हम लोग फंक्शन लखनऊ में, जिस दिन नहले पे दहला का हम लोग कैसेट रिलीज करेंगे। तो हमारे एक शानदार प्रोड्यूसर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर आने चाहिए जो लगातार कंटिन्यू और स्टार कास्ट के साथ फिल्म बना रहे हैं, ये अच्छी बात है।